अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी, सभी धार्मिक आयोजनों पर लगाई रोक। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी। सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया है। सार्वजनिक स्थानों पर ईद उल जुहा को मनाने पर भी रोक लगा दी गई। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर अब पाबंदी रहेगी। गृह विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को त्रिस्तरीय जन दिशा निर्देश 5.0 जारी किए, जो शनिवार 17 जुलाई सुबह 5 बजे से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स भी अब बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा भीड़ वाले क्षेत्रों में प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश भी दिए, ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को बढ़ने से रोका जा सके। इन सभी धर्मों के धार्मिक आयोजनों पर रहेगी रोक। श्रावण मास में राज्य और राज्य के बाहर से श्रद्धालुओं द्वारा कांवड़ यात्राएं आयोजित की जाती हैं। जिन राज्यों में ये यात्रा शुरू होती है, जैसे उत्तराखंड आदि में, इस पर रोक लगाई जा चुकी है। कांवड़ यात्राओं में भीड़ भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार के समस्त धार्मिक यात्राओं और जुलूस इत्यादि की राज्य में अनुमति नहीं होगी। दिनांक 21 जुलाई 2021 को ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा। वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़ भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक और धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी। जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले राजकीय मुडिया पूनो मेला, जो आषाढ़ माह की एकादशी से पूर्णिमा तक तहसील गोवर्धन में आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश विदेश के विभिन्न भागों से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष पूजा और परिक्रमा करने के लिए आते हैं। राजस्थान राज्य से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। जिला अधिकारी मथुरा द्वारा 20 जुलाई 2021 से 24 जुलाई 2021 लगने वाले गोवर्धन क्षेत्र में परंपरागत राज्य के मुंडिया पूनो मेला के आयोजन को निरस्त कर दिया गया है। जैन धर्म और अन्य कई धर्मावलंबियों द्वारा राज्य के अनेक स्थानों पर चतुर्मास पर्व का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन 4 माह तक चलता है। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में भीड़ भाड़ की संभावना को देखते हुए सार्वजनिक और धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। अन्य सभी धर्मावलंबियों के समस्त धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध होगा। साथ में आमजन से अपील की गई है कि सभी परिवार के साथ घर पर रहकर पूजा अर्चना और इबादत करें। सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत होगा, लेकिन जिन व्यक्तियों द्वारा कम से कम वैक्सीन की एक खुराक ली जा चुकी है, उन्हें शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक की अनुमति होगी। नवभारत समाचार, राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट।